बस आप सभी लोग का फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग खेलने वाले फिर से लास्ट डेयर और सर्वाइवर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड मोड में आए हुए, ठीक है। स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है कि इसमें आपको 24 आवर आपका रेड टाइम इसमें आपका चलता रहता है, ठीक है। देखते हैं इसमें कितने दिन तक हम इसमें सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर गैस स्टेशन के पास। यहाँ पर कुछ फ्यूल ले लेते ताकि यहाँ से कुछ मतलब खाने से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अंदर चल के देखते हैं कुछ खाया या नहीं। यहाँ पे सामान तो टोटल है, ठीक है। अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट पड़े वहीं से देखते हैं कुछ स्पेयर वगैरह मिल चुका है। यहाँ से 20 फ्यूल मेरे को काफ़ी बार मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ग्रीन कार्ड भी मिल गया। तो जो भी इसको पहले किल करता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लूट दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी तोड़ लेते, इसमें कुछ स्पेयर भी मिल जाएगा। चलते हैं अपना बेस बना लेते, ठीक है। फटाफट इधर से थोड़ा बहुत स्पेयर वगैरह फार्म करते हुए चलेंगे अपना उधर एयरपोर्ट के साइड अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो हमने अपना स्पेयर फार्म कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेयर फार्म करते करते चलेंगे सबसे पहले गराज की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो फटाफट स्पेयर को हम फार्म करते हैं। यहाँ से थोड़ा वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक आ चुका हूँ। स्पेयर फार्म करते करते जा रहा था कि मेरे को यहाँ पे बंदा दिखा सोया होता, ठीक है। इसके पास देखते हैं केवल कुछ ही नहीं, इसके पास स्टोन एक्स है, तो इसको सबसे पहले किल करते हैं। कि इसका बेस भी है, यही बना रहा था साथ ही। इसका बेस है पर इसमें कुछ सामान नहीं है। ये ऑलरेडी इसका कैबिनेट पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है और चलते हैं इस। ये तो अपने आप किल ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ गराज के पास आ चुके हैं। यहाँ पे गराज में भी सप्लाई चेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे 7 के बुलेट और 5 स्पेयर भी मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे सबको ले लेते भाई साहब, मचेटी भी मिल गई या काफ़ी अच्छा होता आपको, ठीक है। तो अब देख सकते हो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो चुका है। जो भी फालतू चीज़ है उसको हम यहाँ पर डिसमेल्ट करते हैं ताकि उससे मेरे को स्पेयर वगैरह कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिससे मेरा वर्क बेंच अपग्रेड हो जाएगा। चलते फटाफट इसको डिसमेल्ट करते फिर चलते आगे। डिसमेल्ट करने के बाद आगे जा रहा हूँ, ठीक है। फार्म करते करते यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिप भी आ चुका है। तो सिप पे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई गन भी नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं वुड वगैरह कट कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत स्टोन और आयरन जो भी होगा उससे हम अपना बेस यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। बेस इधर ही बना लेंगे क्योंकि यार इधर अच्छा, तो इधर आपका हार्बर भी आपका नज़दीक पड़ जाता है और एयरपोर्ट भी आपका नज़दीक में ही पड़ जाता है। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो यहाँ से फार्म करते वुड और स्टोन तो मेरे को एक बेस दिखा, ठीक है। सबसे पहले इसका हम डोर की इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो मेरे को काफ़ी उतना सामान तो नहीं मिला, थोड़ा बहुत आयरन वगैरह मिल गया था। यहाँ पे एक बंदा सोया। सबसे पहले स्लीपिंग बैग इसका डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉय करते तो वो फुली आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके पास क्या है, इसके पास केवल कपड़े, इसके कपड़े ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बॉक्स में देखते हैं ये तो पूरा खाली है। और इसमें क्या है, इसमें आयरन है 250 350 350 सल्फर, ये काफ़ी अच्छा, ठीक है। सल्फर काफ़ी अच्छा मन में मिल चुका है, वो भी है देख सकते हो। इसको किल करते हैं, चलते हैं आगे। फिर से बेस बनाएंगे अपना। मैं यहाँ पे 2x2 का फटाफट एक बेस बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्या किया, यहाँ पे जो भी नॉर्मल चीज़ें होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डोर लगाएंगे, फिर उसका सीलिंग लगाएंगे। यहाँ पे आपको स्लीपिंग बैग और कैबिनेट आपको फ्री में आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे को स्लीपिंग बैग मिल चुका है, इसको प्लेस करते हुए कैबिनेट मिल जाएगा। कैबिनेट मिल चुका है, कैबिनेट को लगा देते हैं। और कैबिनेट को लगाने के बाद इसमें कुछ थोड़ा सा सामान डाल देगा, ठीक है। उससे पहले हम अपना बेस को अपग्रेड कर देते हैं फोन में, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये सेफ हो जाए। डालते हैं, मेरे को 2 लॉक मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो और रोड भी डाल देते हैं, यहाँ पर लॉक वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सामान भी काफ़ी हो चुका है। थोड़ा चेस्ट वगैरह बना लेते हैं, जो भी मेरा मिशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे को एक पीक मेकर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा पेस मेकर कैसे जो होता है, ठीक है। और फ्यूल भी काफ़ी हो चुका है, यहाँ से थोड़ा 1-2 फर्नेस भी मेरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी सारा सामान है इसमें रखते हैं और चलते थोड़ा बहुत फार्म करके आते हैं। स्टोन और रोड वगैरह फार्म करके आएंगे और तब हम इसमें क्या करेंगे, अपना वो क्या बोलते उसको फर्नेस अपना लगा देंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पर जो भी मेरा आयरन है सल्फर और सब स्मेल्ट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैंने अपना पिस्टल और कपड़े को लगा दिया क्राफ्ट पे। ठीक है, इसको क्राफ्ट पे करने के बाद आपका मिशन कंप्लीट हो जाता है, तभी आपको पेसमेकर आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये फटाफट एक क्राफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको कलेक्ट करने के बाद चलेंगे फार्म करेंगे, वहाँ से फार्म करके आएंगे वापस बेस पे। जो भी मिशन वगैरह जो भी कंप्लीट हो चुके हैं इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। आपको 50 स्पेयर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, इजीली विदाउट वहाँ पे आपको फार्म भी नहीं करना पड़ेगा, तभी आपको स्टार्टिंग में आपको 50 स्पेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही सारा मिशन कंप्लीट होता है आपको वुडन क्लब भी आपको मिल जाता है। ठीक है, सब में लॉक लगा होता है वुडन क्लब में, यहाँ पे देख सकते हो। और जो भी कपड़े इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, पे दोबारा से फार्म करके सब कुछ ला दिए। ठीक है, स्टोन और आयरन थोड़ा बहुत ला दिए। ठीक है, जो भी आयरन वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्नेस लगा दिया क्राफ्ट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो एक फर्नेस यहाँ पे बन भी चुका है। इसको यहाँ पे प्लेस करते इसमें लगा देते हैं आयरन को स्मेल्ट होने के लिए फटाफट। देख सकते हो मेरे को यहाँ पे पेस मेकर मिल चुका है। ठीक है, तो जैसे लेवल आपका कंप्लीट होता है आपको पेस मेकर एक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना फर्नेस को प्लेस कर देता हूँ और इसमें जो भी सामान है उसको डालते हैं बिल्ड करने के लिए फटाफट। जो भी आप इसमें सामान डालते हो स्मेल्ट होने के लिए, तो यहाँ पे जो आपको मैक्स पे आपको टैप कर देना ताकि वहाँ पे 4 हो जाए। ठीक है, 4 जब आप 2000 डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली हर एक सेक्शन में आपका 500 500 करके वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वापस जल्दी स्मेल्ट होते हैं। पे देख सकते हो इसमें दो दो करके लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सल्फर भी हो जाएगा और आयरन भी हो जाएगा साथ में, और जो भी स्टील वगैरह बचे उसको डाल देते हैं इसमें। फिर से चलते आगे। ठीक है, वहाँ पे दूसरी जगह फिर से देखते हैं क्या वहाँ पे वेयर हाउस में कुछ और मिलता है मेरे को यहाँ पे। नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैं एक बेस को एक देखा था। ठीक है, तो वहाँ बेस पे आ चुका था। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दो तीन बंदे दिखे थे। सबसे पहले हम उनको यहाँ पे किल करेंगे। अब देख सकते हो बंदे यहीं पे घूम फिर रहे थे, इनको ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं अभी, अपना बेस बना रहे हैं। ठीक है, तो इनसे मेरे को काफ़ी अच्छा लूट मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनको ये पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे, शायद इसका नेट या कि चैट में लगा हुआ था पता नहीं, तो इसको मैं किल करते हैं। काफ़ी अच्छा मेरे को लूट यहाँ से मिल जाता है। देख सकते हो बैंडेज हो गया, स्टील एक्स भी मिल जाता है, आयरन और सल्फर और फ्यूल 66 स्पेयर्स मिले थे। देख सो जो भी कंपनी यहाँ पे फिर से आ चुके हैं वो सारे एनिमी, तो यहाँ पे तीन बंदे थे, फटाफट तीनों को किल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉन्ग छोटा सा लगा देते हैं ताकि आप बोर ना हो पाओ। हाय देयर, डोंट शूट। उन लोगों को किल करने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो एक और आ रहा था पीछे, इन लोगों ने मेरा पीछा किया तो मैं यहाँ पे पानी में चला गया। ठीक है, इसके थ्रू हम जा रहे थे अपने बेस के पास, तो एक और यहाँ पे एक बेस दिख गया था जस्ट पास में। तो इसका पूरा स्टोन में अपग्रेडेड था, लेकिन एक जो इसका बेस था ना वो था वुड का था। क्या करते इसके बेस को इसके डिस्ट्रॉय कर देते भाई। बेस को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मेरे पास एक वो होता नाइफ था, किचन नाइफ, तो उसका वो पूरा हेल्थ लग जाता और दो वुडन क्लब लग जाते इसको डिस्ट्रॉय करने में। फटाफट ऊपर चल के देख लेते पहले के ऊपर स्टोन है या फिर रूड है। रूड होगा तो फिर उसको ऊपर से इसको रेड कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे होगे ऊपर से ये पूरा खुली स्टोन है, तो नीचे में इसका था तो ठीक है वुड का। तो यहाँ पे क्या होता है रेड करने पे आपका ये वो रेड नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा फुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आपका बेस भी चला जाता है। मेरे को लगा यहाँ पे कैबिनेट हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आपको स्किप कर दिया, काफ़ी समय लग गया था इसको डिस्ट्रॉय करने में। फिर यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है, एक दो हिट लगेगा और ये डिस्ट्रॉय हो चुकेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ पे दो बंदे लेटे हुए। ठीक है, दोनों ऑफलाइन हैं। इनको देखते हैं इनके पास में मेरे को क्या मिलता है। सबसे पहले इसको किल करते हैं
और पीछे देखते क्या मिलता है, और उसको भी किल कर देते भाई। इससे तो मेरे को 570 चारकोल मिले, और इससे देखते क्या मिलता है। इसका चेस्ट इसका नीचे गिर चुका भाई। इसके पास एसएमजी और एक नाइफ मिल चुकी है, ये काफ़ी अच्छा बात था। ठीक है, मेरे पास एसएमजी भी नहीं था, और यार रेडिएशन मास्क भी मेरे को इससे मिल चुका। ठीक है, अब हम सभी रूम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फालतू चीज़ इसको गिराते हैं इसको ले लेते हैं, और इसको इक्विप कर लेते हैं पहले। चलते इसके बाद अपने बेस के ऊपर, और जो भी सारा सामान है ये एसएमजी को पहले चेक कर लें, उसका रेसिपी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते तो और सभी उड़ के, और अंदर में सारा लूट पड़ा हुआ है। ऑयल बम की मेरे पास रेसिपी नहीं है, नहीं तो इसको भी रेड कर देते हैं। फटाफट चलते हैं फिर से वहाँ पे अपने बेस पे, जो भी सारा सामान है उसको रखते हैं वहाँ पे वापस। बेस पे सारा सामान रखने के बाद मैं फिर से वापस आ गया था। ठीक है, तो ये लोग ज़्यादा ऑनलाइन थे, तो अभी तो हमने क्या किया, इनको फिर से किल करते हैं। फिर से मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लूट फिर से मिलता है इनसे। ठीक है, वुड और स्टोन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। बंदा बोला था हेल्प मी हेल्प मी, तो अपने टीममेट को बुला रहा था, तो इसको पहले किल करते हैं फिर उनको किल करेंगे। इनको आज बहुत ज़्यादा ही तंग किया था भाई इसका, इन लोगों को शायद अपना इनका बेसिक का इनका फील नहीं रहा था। ठीक है, देख सकते हैं इनको फार्म इसको करने ही नहीं दिया था हमने आज, तो बहुत काफ़ी बार इसको मारा था। ठीक है, तो सबसे पहले इनको किल करते। इसका एक एनिमी, एक इसका बंदा देखो, उस कैक्टस का पेड़ है उसके पीछे छुपे हुए थे। 2000 वुड और कुछ आयरन, कुछ सल्फर और कुछ ये भी दिख चुका है, इसको भी सबसे पहले किल करते हैं। ये नॉक हो चुका है, इसका एक बंदा उधर से आ रहा था शायद फार्म वगैरह करके, तो सबसे पहले इसको किल करते हैं, इसके पास काफ़ी अच्छा लूट हो सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो इसको भी किल कर देते हैं, और इससे भी काफ़ी अच्छा लूट मेरे को मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेल्फिश कर चुका है, और आयरन 2000 मिल चुका है। ठीक है, तो और स्पेयर से 100 के आसपास मिला था। ठीक है, और इसको इसको भी किल करते हैं, यहीं पर ये भी आ चुका है, फटाफट इसको भी किल करते हैं। जो भी सारा सामान था उसको बेस पे रख के और आ गया था यहाँ पर रेड करने के। ठीक है, ये सभी ऑफलाइन चले गए थे, एक इसका ऑनलाइन था ये। ठीक है, तो इसको पता नहीं क्या कर रहा था, शायद इसका नेट वगैरह का इशू होगा। फिर इसके इसमें देखते तो 2500 के आसपास वुड मिल जाता है। ठीक है, इसका पैकेज यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान तो मिल ही जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तो सिंगल था। ठीक है, तो इसके बैग को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसमें देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा वुड है और इसमें खाली है, और ये इसमें एक पिस्टल, इसको भी ले लेते हैं। और इस इधर देखते हैं, इधर थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद इसमें देखते हैं एक थोड़ा वुड है, बस इधर यही था। और चलते आगे एक वैसे उसको रेड करते हैं, जा रहा था मैं तो उसको रेड करें, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला था। ठीक है, जा रहा था तो मेरे को यहाँ पे एनिमी दिखा। ठीक है, यहाँ पे कवर दे रहा था। ठीक है, तो इसको पहले ये किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको किल करने के बाद इसकी एसएमजी ड्रॉप हो जाती है, इसमें
प्रोटेक्शन वाला कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इससे भी मेरे को स्पेयर और SMG तो मिल ही गई। और चलते फिर इस बंदे को किल कर, इससे देखते क्या मिलता है। इसका टाइमर लगा हुआ था शायद, इसका वेट कर रहा था, ठीक है। शायद उसको नहीं पता था कि इसको किल करने में इसका लूट गिर जाएगा, ठीक है। मेरे को शॉर्ट गन की बुलेट्स मिल जाती है और काफ़ी अच्छा लूट इससे भी मिल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो 77 स्पेयर्स भी मिल गए, ठीक है। और थोड़ा सल्फर भी है तो सल्फर ले लेते हैं। चलते हैं फिर अपने बेस पे, जो भी सारा सामान है वो सभी रख के फिर से हो सकता है वापस आएंगे, ठीक है। सल्फर वगैरह लेने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने बेस पे, ठीक है। बेस पे जाने के बाद सभी सामान रख देते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं लास्ट डे रूल्स सर्वाइवल के ऊपर वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।